Hello friend, good evening. आज मैं अड़दिया बनाने वाली हूँ, मिठाई अड़दिया, जो इस ऋतु में खाने से बहुत फायदा होता है सेहत के लिए। अभी अड़दिया की सीजन शुरू हो गए है सियारे में, तो मैंने ये लिया है अड़द का आटा 1 किलो, और ये है शक्कर 1 किलो, और ये है घी। तो फ्रेंड में अब मैं अड़दिया बनाने वाली हूँ और अच्छे से बना लेती हूँ, देखिएगा वीडियो कैसा बनता है। अब मैं घी को थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, फिर मुझे इस आटे में मिलाना है। अब मैं इस घी को इस आटे में डाल रही हूँ। ये हमारी बफेलोस का ही घी है। अब मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ, आटा और घी को। अब मुझे ना ये सेकना है, ये अड़दिया बनाने में सेकने की ही ज़्यादा है खूबी, तो अब मुझे ये सेकना है अड़दिया का लोट जो है आटा। फ्रेंड इस आटे को अच्छे से पकाना होता है, और जब ये पक जाए तो इसमें से स्मेल आने लगती है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। अगर आप घर पे अड़दिया बना रहे हो तो उसकी स्मेल कहीं दूर तक जाती है, दूसरे खेत तक जाती है उसकी स्मेल। और अब मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। आप शक्कर को पीस कर भी डाल सकते हैं, मैंने पीसी नहीं है, ऐसे ही आखी है, आप पीस कर भी डाल सकते हो। और इसे अच्छे से मिक्स करना होता है। फिर और इसे अच्छे से थोड़ी देर हिला दिया और फिर ऐसा बना है अड़दिया। देखिए फ्रेंड इसका कलर अलग बदल गया है आटे का, और थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे, फिर हम इसका अड़दिया बनाएंगे। और अब मैं इसे अड़दिया बना रही हूँ, इसका इसे हाथों से घुमा के बनाना होता है। तो फ्रेंड आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने ऐसा बनाया अड़दिया, और सियारे में खाने से अड़दिया बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है, जो अड़द का आटा होता है वो।